नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमुआ प्रखंड के बलगो पंचायत के ग्राम नई टांड में वज्रपात होने से 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 महिला और एक बच्चा घायल हो गया। मौके पर सभी को जमुआ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने बताया कि सभी खतरे से बाहर हैं। वही घायलों में मोहनी देवी, ममता कुमारी, अंजू देवी, कंचन देवी, रूणा देवी, आनंद कुमार हैं। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि सभी शाम को टहलने के लिए निकले हुए थे, तभी अचानक बारिश आ गई और पास के महुआ के पेड़ के नीचे रुक गए थे। इसी दौरान अचानक ठनका बगल के दूसरे पेड़ पर गिरा और 6 लोग उसकी चपेट में आ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में आज शाम 8 बजे ग्राम नई टाण से 6 व्यक्ति जो वज्रपात से ग्रसित थे वो लोग आए। सभी को देखा मैंने और सभी का इलाज किया गया। सभी खतरे से बाहर हैं और अभी इलाजरत हैं, और जब तक ये सही नहीं हो जाते हैं तब तक इनको अभी छुट्टी नहीं करेंगे यहाँ से। इसमें 2 व्यक्ति हैं जो ज़्यादा घायल हैं और जिनका नाम है कंचन देवी और रूणा देवी, उनका भी ड्रेसिंग ये सब करवा दिए हैं। सारा दवा ये सब भी देख दिए हैं, तो भी सब पड़ गया है और का भी बहुत ज्यादा खतरे वाली बात अभी नहीं है। टाइम न्यूज के लिए जमुआ से रवि राजा की रिपोर्ट।